वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को पुलिस से छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि गलती इन्हीं महिलाओं की होगी, जरूर कोई ना कोई कांड किया होगा। एनकाउंटर के लिए पहचाने जाने वाली यूपी पुलिस ने इन्हें ऐसे ही थोड़े पकड़ा होगा। जी जनाब, गलती इन महिलाओं की है। ये महिलाएं योगी आदित्यनाथ को सच्चाई दिखाना चाहती थी, उनके अधिकारियों की पोल खोलना चाहती थी, लेकिन यूपी पुलिस ऐसा कहां होने देती। भले ही अपराधियों को पकड़ने में यूपी पुलिस के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इन महिलाओं को रोकने के लिए पुलिस वालों ने जी जान लगा दी। चलिए आपको बता देते हैं इन महिलाओं का गुनाह क्या है। दरअसल कोरोना त्रासदी से आम जनता को निजात दिलाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा लगातार जारी है। इसी दौरान उन्हें कानपुर के गांव में भी जाना था। व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली गई थी। योगी जी को सब कुछ बेहतर और अच्छा दिखाने के लिए कागजी कोरम भी पूरा कर लिया गया था, लेकिन कानपुर प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष जो तस्वीर इस गांव की परोसी जानी थी, वो हकीकत से बिल्कुल उलट थी। यही असलियत बताने कुछ महिलाएं वहां पहुंच गईं। जनता की तरह ये लोग मुख्यमंत्री को सिर्फ इतना ही बताना चाहते थे कि कोरोना महामारी में मौतों का आंकड़ा जो कागजों पर है, वो हकीकत में कुछ और ही है। फिर क्या था, यूपी पुलिस जो गन्ने के खेत में घुसे अपराधी का एनकाउंटर मुंह से गोली चलाकर कर देती है, वो तुरंत एक्शन में आ गई। आनन फानन में प्रशासनिक आंकड़ों की हकीकत को आईना दिखाने वाले इन लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई। इतना ही नहीं, जो महिलाएं मिलने जा रही थी उनको किसी आतंकवादी की तरह घसीट कर जीप में डालकर थाने पहुंचा दिया गया। जिन युवकों ने इसका विरोध करने की कोशिश की, उनको भी उनके ही गांव में बदमाशों की तरह धक्के मारकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद चुपचाप सीएम योगी को 5 मिनट में वैक्सीनेशन सेंटर का मन माफिक चेहरा दिखाकर रवाना कर दिया गया। जिन महिलाओं ने अपने ही मुख्यमंत्री से मिलने की ख्वाहिश का अपराध किया था, उनको शाम तक थाने में किसी गुनहगार की तरह बैठाए रखा गया। इन महिलाओं का कहना है कि हम कोई मुख्यमंत्री योगी का विरोध करने नहीं जा रहे थे, वो बहुत अच्छे हैं। हम गांव के पूर्व प्रधान और कोरोना से गांव में हुई असली मौतों की असलियत सीएम को बताना चाहते थे। हमने आज सुना था कि जो लोग कोरोना से मरे हैं तो योगी जी उनके परिवारों को मदद देंगे, है ना, सरकारी नौकरी देंगे, तो हम केवल उन्हीं का नाम लिख करके ले गए थे और साथ में हम प्रधान के खिलाफ ज्ञापन लेके गए थे कि 5 साल आप जांच करवा लीजिए, निष्पक्ष जांच करवा लीजिए। 5 साल इन्होंने कोई कार्य नहीं करवाया है, ऑन पेपर वर्क है जी। ये समझ लीजिए, आप शिवा विहार चले जाइए, कच्ची बस्ती के मेरे पास वीडियो रखे हैं, लेडीज पूरा आ रही थी कच्ची बस्ती की, आने नहीं दिया गया उनको। ठीक है, हो सकता है हम प्रोटोकॉल से ना हो, लेकिन हम सच्चाई के साथ थे, हम झूठ के साथ नहीं थे, और सांच को आंच नहीं, हम नहीं डरते हैं, और हम योगी जी के साथ हैं। और हमारे विधायक जो सांगा जी हैं, वो बहुत सराहनीय कार्य करते हैं, सैनिटाइजेशन कराते हैं, उसके बाद में लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप महिलाओं के विकास, मतलब महिला शक्ति पे भी वो बहुत काम करते हैं, और उन्होंने ये समझ लीजिए कि बहुत, मतलब काम करवाने के इच्छुक हैं, लेकिन ये जो प्रधान जी हैं सपा समर्थित हैं और ये नहीं चाहते हैं कि सांगा जी की जय जयकार हो या योगी जी आगे बढ़े, ये केवल ये चाहते हैं कि मैं और सपा बस दो ही चीज आगे बढ़े। क्यों बढ़े भाई, जो आदमी सही है हम क्यों उसका विरोध करेंगे? योगी जी हैं सही, सांगा जी सही हैं, तो हम उन्हें सही कहेंगे। भले ही योगी जी यूपी में कोरोना पीड़ितों की मौत पर अब शर्मिंदा हो, और शायद इसीलिए महाराज लगातार हर मंडल मुख्यालय पर पहुंचकर अब खुद ही कमान संभाल रहे हो, लेकिन उनके अधिकारी आज भी उसी धर्रे पर चलते जा रहे हैं जिस धर्रे पर अभी तक वो चलते आए हैं।